अस्थमा एक लाइलाज बीमारी है जो एक बार होने पर जिंदगी भर रहती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाओं और एहतियात के जरिए हम कुछ हद तक इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर साल तकरीबन 2.5 लाख लोगों की मौत की वजह ये अस्थमा ही है। इस बीमारी में व्यक्ति को ठीक से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे उसे दौरे तक पड़ सकते हैं और ऐसी स्थिति में उसका 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में हम अस्थमा से जुड़ी कई अहम चीजों पर बात करेंगे कि आखिर इस बीमारी के होने की वजह क्या है और इस बीमारी के वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें समझकर इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है और आखिर में इस बीमारी पर काबू कैसे पाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि देश में पिछले कुछ सालों से अस्थमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 3 करोड़ 43 लाख लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और दुनिया भर में अस्थमा से जितने भी लोगों की मृत्यु होती है उनमें भारत की 42% हिस्सेदारी है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में अस्थमा की समस्या कितनी आम और गंभीर होती जा रही है। आइए अब बात करते हैं आखिर ये अस्थमा है क्या बीमारी। अस्थमा को हम दमा के नाम से भी जानते हैं। दरअसल हम जब सांस लेते हैं तो प्रत्येक सांस के साथ हवा हमारी नाक और मुंह से होते हुए हमारे गले, फिर श्वास नली और फिर हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। हमारे फेफड़ों में बहुत सारे वायु मार्ग होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन को हमारे रक्त तक पहुँचाने में मदद करते हैं। अस्थमा की शुरुआत तब होती है जब हमारे वायु मार्ग की परत पर सूजन आ जाती है और उनके आसपास की मांसपेशियां कस जाती हैं, जिससे वहां जाने वाली हवा की मात्रा कम हो जाती है। सूजन और सिकुड़न के चलते रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज आना, सीने में जकड़न, खांसी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इस बीमारी में व्यक्ति को दौरे भी पड़ सकते हैं और इसका सबसे अच्छा इलाज है इनहेलर का इस्तेमाल, जिसे अस्थमा के मरीजों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इनहेलर ना होने की स्थिति में मरीज की जान भी जा सकती है। अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें सांस फूलना, सांस में तकलीफ होना, सांस का उखड़ना, अत्यधिक खांसी आना, अत्यधिक थकान महसूस करना, कोहरे या धुएं से एलर्जी होना शामिल है। अब बात करते हैं अस्थमा की वजह की। आखिर अस्थमा किन वजहों से होता है? आज के समय में अस्थमा का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। कारखानों, वाहनों से निकलने वाला धुआं अस्थमा होने की सबसे बड़ी वजह है। इसी के साथ ही सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव भी अस्थमा होने की वजह हैं। कुछ लोगों में ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। कुछ ऐसी वजह भी हैं जो अस्थमा को बढ़ाती हैं और वो वजह हैं धुआं, कोहरा, तेज तेज चलना, धूल और मिट्टी, मौसम का बदलना, सांस की नली में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन। कई बार लक्षणों के आधार पर अस्थमा की बीमारी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर कुछ जांच कराने की सलाह देते हैं। इन जांचों के जरिए हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्ति को अस्थमा है या नहीं। इन जांचों में कुछ मेडिकल और एलर्जी टेस्ट शामिल होते हैं। इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके अलावा स्पायरोमेट्री के द्वारा भी हम अस्थमा या दमा की बीमारी को जान सकते हैं। कुछ चेस्ट एक्सरों की मदद से भी इसका पता लगाया जा सकता है। अस्थमा के इलाज में जरूरी है कि अस्थमा के लक्षणों या अस्थमा अटैक से जल्द कैसे राहत पाई जाए और आगे इसे कैसे कंट्रोल में रखा जाए। अस्थमा के इलाज के लिए आमतौर पर नाक के माध्यम से दी जाने वाली दवा इनहेल्ड एस्ट्रॉइड और अन्य एंटी इंफ्लामेटरी दवाएं कारगर मानी जाती हैं। इसके अलावा ब्रोंको डायलेटर्स वायुमार्ग के चारों तरफ कसी हुई मांसपेशियों को आराम देकर अस्थमा से राहत दिलाते हैं। इसके साथ ही अस्थमा इनहेलर को भी इलाज के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से फेफड़ों में दवाइयां पहुंचाने का काम किया जाता है। अस्थमा नेब्यूलाइजर भी इसके इलाज में उपयोगी है। अस्थमा के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बचाव। इसके लिए मरीज को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने अस्थमा के कारण को समझें और उन चीजों से दूरी बनाएं जिससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचें, धूल मिट्टी और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें, अपने खानपान का खास ध्यान रखें। अस्थमा के मरीजों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वाली चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी और ठंडी प्रकृति वाले आहारों का सेवन नहीं करना चाहिए। अंडे, मछली, दूध, अल्कोहल और मांस जैसी चीजें अस्थमा में हानिकारक होती हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना लाभकारी होता है। विटामिन ए, सी और ई युक्त खाद्य पदार्थ अस्थमा मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो अपनी दवाइयां हमेशा अपने साथ रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाएं लें और इसी के साथ ही समय समय पर अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहनी चाहिए।